दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप और फेसबुक के बारे में, यानी कि अपनी इस लाइफ में हम व्हाट्सएप और फेसबुक को बहुत ज्यादा अपने फोन में यूज करते हैं, यानी कि डेली लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा जो हम फोन के अंदर कोई इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे पहले व्हाट्सएप फिर फेसबुक आता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जो सबसे बेस्ट है, व्हाट्सएप सिक्योर है या फेसबुक सिक्योर है, कौन सा सेफ है, इसके बारे में कंप्लीट ये वीडियो होने वाला है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल के ऊपर आपको हमेशा मिलते रहते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए सेफ है। सबसे पहले बात करते हैं हम इन दोनों कंपनियों के बारे में, व्हाट्सएप और फेसबुक के बारे में। देखिए सबसे पहले व्हाट्सएप के बारे में बात करते हैं कि व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है जो कि 2009 में ब्रायन एक्टन ने इसे बनाया था, और जो फेसबुक है ये 2004 में आ गया था और मार्क जकरबर्ग है वो इनको बनाने वाले हैं। अब फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप को खरीद लिया, यानी कि ये जो व्हाट्सएप है वो फेसबुक के अधिकृत आ गया। अब ये जो काम करता है वो मेटा के अधिकृत करता है, यानी मेटा है वो पेरेंट कंपनी है फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की। ये जो तीनों प्लेटफॉर्म है ये यानी मेटा के हैं, मेटा के अधिकृत ही ये काम करते हैं। अब बात ये आती है कि हम जो यूज करते हैं व्हाट्सएप फेसबुक, इन दोनों में से सिक्योर कौन सा है। अब देखिए व्हाट्सएप के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर हम मेंबर ऐड करके ग्रुप चैटिंग भी कर सकते हैं। और जो फेसबुक है, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपने जो विचार हैं वो साझा कर सकते हैं, यानी कि अपने फ्रेंड के बीच में, यानी एक कम्युनिटी की तरह काम करता है जो फेसबुक है वो। सिक्योर इसमें कौन सा है, देखिए मैं जो डेटा है वो थोड़ा रिसर्च करके आपको बता रहा हूं। व्हाट्सएप ये बोलता है कि जो आप वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, आप ऑडियो कॉल करते हैं, आप चैटिंग वगैरह करते हैं, आप फोटो वीडियो सेंड करते हैं, वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है और आपका जो डेटा है वो कहीं भी हम शेयर नहीं करते हैं। यहां तक कि व्हाट्सएप भी आपका जो डेटा है वो देखता नहीं है, आप जो भी काम कर रहे हैं वो व्हाट्सएप के जो एम्प्लॉय है वो भी नहीं देखते हैं। लेकिन फेसबुक में क्या है, फेसबुक में आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट करके आप चैटिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आप प्राइवेसी, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आप प्राइवेसी में देखेंगे तो फेसबुक ये चीज बोलता है कि मैं जो यूजर का कुछ जो इंफॉर्मेशन है यूजर की वो मैं कलेक्ट करता हूं एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब एडवर्टाइजमेंट वो कैसी भी हो सकती है, अदर कोई कंपनी एडवर्टाइज कर रही है तो वो हमारा डेटा फेसबुक से ले सकती है। ये खुद फेसबुक अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर मेंशन कर रखा है कि मैं यूजर की इंफॉर्मेशन है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल में लेती हूँ, यानी कि मैं कलेक्ट करती हूँ, फेसबुक खुद बोल रही है कि मैं स्टोर करती हूँ यूजर की जो इंफॉर्मेशन है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए। इसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताऊं तो आप इंस्टाग्राम पे रील वगैरह देखते हैं, आप स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने कोई प्रोडक्ट का एड आ जाता है, ठीक है, और आप उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन देखने के लिए। मान लीजिए आप वीडियो बनाते हैं और आपके सामने किसी ट्राइपॉड का एड आ गया और उस एड के ऊपर जाके आप क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आप चाहे उस प्रोडक्ट को आप खरीदो चाहे मत खरीदो, वहां पर आपने इंटरेस्ट दिखाया कि ये प्रोडक्ट है वो मैंने देखा है और उसकी प्राइस के बारे में आपने देख लिया। उसके बाद में आप चाहे एक घंटे बाद में देखो, चाहे एक दिन बाद में देखो, चाहे दो दिन बाद में आप अगर दोबारा इंस्टाग्राम पे आएंगे, दोबारा इंस्टाग्राम पे आके आप रील वगैरह देखेंगे तो आपको उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, चाहे वो सेम प्रोडक्ट आपने देखा है वो या फिर अदर किसी वेबसाइट से उसी प्रोडक्ट, यानी कि आपको ट्राइपॉड की ही एड है वो दिखाए जाएंगे। तो इंस्टाग्राम है वो भी मेटा के अंदर ही काम करता है और फेसबुक है वो भी मेटा के अंदर ही काम करता है, व्हाट्सएप है वो भी मेटा के अंदर ही काम करता है, लेकिन व्हाट्सएप को बनाने वाला पहले जो इंजीनियर है वो और थे, यानी कि 2009 में ये व्हाट्सएप वो बना था और 2014 में ये मेटा के अधिकृत आया था, यानी कि मेटा ने इसको 2014 में खरीदा था। तो जो पीछे व्हाट्सएप के अंदर जो सिक्योरिटी जो चल रही है, प्राइवेसी है, वो वैसे ही चल रही है, लेकिन जो फेसबुक है
इसमें जो मेटा की जो सिक्योरिटी है वो चल रही है। तो यहां मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी, कंपेयर कर दिया है कि खुद फेसबुक ये बताती है कि मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब इनमें से सिक्योर कौन सी है, आपका ये सवाल है। तो देखिए, सिक्योर व्हाट्सएप है, वो एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, यानी आप तुरंत किसी को मैसेज कर सकते हैं, उससे रिप्लाई ले सकते हैं, ऑडियो कॉल वीडियो कॉल कर सकते हैं, सिर्फ पर्सनली आप कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में आप जुड़े हैं तो ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको भी आप लगभग जानते हैं। अगर आपने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया उसमें आप मेरे को जोड़ रहे हैं तो मेरे को आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन फेसबुक में क्या है, वो ग्लोबली आप जो पोस्ट वगैरह करते हैं वो ग्लोबली है, वो शेयर होती है। अब इसमें ये है कि बहुत बार हमने सुना है कि जो फेसबुक यूजर के जो डेटा है वो लीक हो जाते हैं। वो कैसे लीक होते हैं, वो सिर्फ इसी कारण लीक होते हैं कि ये जो फेसबुक है ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसके ऊपर आप अपने विचार वगैरह है वो साझा कर सकते हैं, यानी पोस्ट कर सकते हैं और उसे हर कोई है वो देख सकता है। तो आज इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें से जो सेफ है वो कौन सा है। व्हाट्सएप है वो बिल्कुल सेफ है, हालांकि जो फेसबुक है वो भी मेटा की कंपनी है, लेकिन फेसबुक पे पीछे की आप न्यूज देखेंगे तो डेटा है वो एक बार नहीं दो तीन बार डेटा यूजर के है वो किसी वेबसाइट पे देखने को मिले हैं, उसके नंबर नाम ये चीजें देखने को मिली है। और दूसरी चीज ये कि फेसबुक जो ये बोलती है कि मैं आपका जो डेटा है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एडवर्टाइजमेंट के कलेक्ट करती हूँ, तो अदर जो कंपनी है जैसे कि किसी क्रेडिट कार्ड का हो गया ये है, उनको भी आपके जो नंबर नाम है वो दे दिए जाते हैं, यानी कि उसमें भी आपके नंबर शेयर किए जाते हैं क्रेडिट कार्ड एडवर्टाइजमेंट जो कंपनीज होती हैं उनको भी। तो यहाँ पे मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि व्हाट्सएप है वो फेसबुक से ज्यादा सिक्योर है। तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर हमेशा देखने को मिलते हैं। अगर कोई आपके सवाल है सुझाव है तो नीचे इसी वीडियो में कॉमेंट है वो कर दीजिए, मैं आने वाले संडे को आपकी कमेंट है उसको पिक करूंगा। दोस्तों मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद जय भारत।